कोरोना वायरस के मामलों में अचानक उछाल आने के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 7 राज्यों में 1 महीने के लिए आपातकाल लागू कर दिया है। इनमें राजधानी टोक्यो के अलावा ओसाका, ह्यूगो, सायतामा, फुकुओका, कानागावा और चाइबा शामिल हैं। यहां 6 मई तक आपातकाल लागू रहेगा। द जापान न्यूज के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है कि जापान में आपातकाल लगाना पड़ा है। आपातकाल लागू होने पर जापान ने कहा कि कोरोना वायरस से लोगों का स्वास्थ्य और जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। देश भर में फैलने की वजह से ये महामारी अर्थव्यवस्था और लोगों की रोजाना की जिंदगी पर भी बुरा असर डाल सकती है। जापान के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक शहरी इलाकों में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में अचानक उछाल आ गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जापान में संक्रमित मरीजों की संख्या 4,257 पहुंच गई है, जबकि 93 लोगों की मौत हुई है। यहां 622 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।